हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित कुशवाहा। तो जैसा कि आप लोग को याद होगा कि लास्ट क्लास में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे, एंड मोल कॉन्सेप्ट में भी कंसंट्रेशन टर्म के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसमें भी फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म हम लोगों ने मोलैरिटी के बारे में डिस्कस किया था और उस पर क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म, वेट बाई वॉल्यूम के बारे में। फिर पढ़ेंगे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम के बारे में। फिर पढ़ेंगे वेट बाई वेट के बारे में, ये सब क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग मोलैलिटी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पीपीएम के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो वन बाय वन सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम लोग। तो देखो, फिर फर्स्ट हम लोग पढ़ चुके हैं मोलैलिटी के बारे में, सेकंड कंसंट्रेशन टर्म से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपको मोलैलिटी के बारे में याद नहीं आ रहा तो आप पुराना वीडियोज देख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड हम लोग पढ़ते हैं कि परसेंट बाई मास किसको बोलते हैं। परसेंट बाई मास लिखा हुआ है या फिर मास परसेंट लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं परसेंट वेट बाय वेट। अब देखो, परसेंट वेट बाय वेट का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर तू परसेंट वेट बाय वेट निकालना है तो उसका मतलब होगा वेट ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर है? अब सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी होता है, सॉल्वेंट भी होता है, तो आप परसेंट वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूट भी लिख सकते हो, परसेंट वेट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते हो। परसेंट वेट बाय वेट सॉल्यूट मतलब क्या होता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक उसी प्रकार से परसेंट वेट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट भी आप लिख सकते हो। परसेंट वेट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर है? बट अगर हम लोग कंसंट्रेशन बोल रहे हैं तो कंसंट्रेशन हम लोग हमेशा सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में बोलते हैं। क्लियर है? तो सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में बोलते हैं, तो यहां पर परसेंट वेट बाय वेट मतलब क्या होगा, जिसको हम लोग परसेंट बाय मास ही बोलते हैं, क्योंकि हम लोग कंसंट्रेशन बोल रहे हैं वो हमेशा सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में होता है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, वेट किसका, सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ क्या होगा, सॉल्यूशन इनटू 100। आ रही बात समझ में आपको? और वेट जो सॉल्यूट का होगा किसमें होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। वेट जो सॉल्यूशन का किसमें होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। आ रही बात आपको समझ में? फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा लिखा हुआ है 5% वेट बाई वेट ऑफ KOH लिखा हुआ है, ठीक है, या KOH ना मान के चलो, यहां पे मान लेता हूं मैं ऐसा लिखा हुआ है एक्वस KOH। ठीक है, 5% वेट बाई वेट ऑफ एक्वस KOH, तो इसका देखो मतलब क्या होगा, इसका मतलब सिर्फ इतना है 5 ग्राम KOH। यहां पर देखो एक्वस लिखा हुआ है और KOH लिखा हुआ है, तो KOH मतलब क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूट है, हम पढ़ चुके हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे पहचानते हैं। तो KOH यहाँ पे सॉल्यूट है और एक्वस मतलब यहाँ पे वाटर, वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। क्लियर है? तो इसका मतलब तो ये भी होगा कि 5 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूट क्या है, KOH, तो इसका मतलब क्या होगा, 5 ग्राम ऑफ KOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। क्लियर बात आपको? या फिर इसी को आप ये भी बोल सकते हो, 5 ग्राम KOH, KOH मतलब क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। KOH प्लस वाटर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन बोल रहा है। अब KOH कितने ग्राम है, 5 ग्राम है, और सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम, यानी यहाँ पे सॉल्वेंट कितना होगा, 100 में 5 को माइनस कर दो, क्योंकि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन होता है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 95 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। आ रही बात आपको समझ में? आप नोट कर लीजिए इसको, और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म लोग डिस्कस करते हैं, थर्ड नंबर, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। परसेंट बाय वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंट बाय वॉल्यूम भी बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम परसेंट। क्लियर है? अब देखो, परसेंट बी बाई वी ऑफ सॉल्यूट, परसेंट, देखो किसी भी सॉल्यूशन में परसेंट बी बाई वी आप कैसे लिखोगे, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब होता है यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सेम कैसा, जैसे वेट बाय वेट लिखा हम लोगों ने।
बट फिर ठीक वैसे ही जो हम लोग कंसंट्रेशन पढ़ रहे हैं, कंसंट्रेशन हम लोग क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू सल्यूट डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जब भी कंसंट्रेशन बोलते हैं हमेशा सल्यूट के रिस्पेक्ट में बोलते हैं। तो यहां पर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, वॉल्यूम किसका हो गया, सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम किसका हो गया, सॉल्यूशन का इनटू 100, क्लियर है। और ये वॉल्यूम किसमें होगा, एमएल में, और ये भी वॉल्यूम किसमें लेना है आपको, इन जनरल एमएल में लेना है। तो परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब आपको समझ में आ गया। अगर कहीं मान लो ऐसा लिखा हुआ है कि 6% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ एक्वस CH3OH, क्लियर है। तो इसका देखो मतलब देखो क्या होगा, अगर आपको देखो जानना है 6% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब होगा कि 6 ग्राम क्या है, 6 ml क्या है सोल्यूट, किसमें, 100 ml सोल्यूशन में। आ रही बात समझ में। अब यहाँ सोल्यूट क्या है, एक्वस मतलब वाटर है, यहाँ पर सॉल्वेंट हो गया, और CH3OH क्या हो गया, सोल्यूट हो गया। तो देखो यहाँ पर मतलब क्या होगा कि 6 ml ऑफ CH3OH प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। आ रही बात समझ में आपको। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, एंड 6 ml क्या है, सॉल्यूट है। तो 100 से 6 माइनस करोगे सॉल्वेंट कितना आएगा, 94, ठीक है। तो इसका मतलब आएगा 94 ml ऑफ सॉल्वेंट। आ रही बात समझ में आपको। तो परसेंट वेट बाय वेट का मतलब यहां पर क्या होगा, ये हम लोग कॉन्सेंट्रेशन बोले इसलिए हमेशा सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में ही बोलेंगे। तो आप नोट कर लीजिए, अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिस्कस करते हैं, फोर्थ नंबर, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। परसेंट वेट बाय वॉल्यूम मतलब देखो क्या होगा, ये भी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है तो हम लोग हमेशा सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्लियर है बात आपको। तो वेट किस में लेना है आपको, ग्राम में लेना है, वॉल्यूम किस में लेना है आपको, इन जनरल ml में लेना है, ठीक है। अगर कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ है 7% W by V, इसका मतलब क्या होगा, 7 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। आ रही बात आपको समझ में। तो परसेंट W by V मतलब क्या होगा, 7 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर है। क्योंकि अगर आपको यहाँ पर डेंसिटी नहीं पता है तो आप इसको ऐसा नहीं कर सकते कि 100 से 7 माइनस करके आप इसको 93 ml ऑफ सॉल्यूशन लिख दे, क्लियर है। क्योंकि वॉल्यूम और मास दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको डेंसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। देख लीजिए आपको समझ में आ रही बातें यहाँ तक। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 5 नंबर, मोलालिटी के बारे में। इसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो मैं आपको समझाऊंगा, पहले समझाना चाहूंगा कि मोलालिटी होती क्या है। जैसे कि मान लो मैंने क्या किया, एक कंटेनर में मैंने, इसमें कंटेनर मैंने मान लो डाल दिया 5 मोल शुगर डाल दिया, क्लियर है। और इसको मिक्स कर दिया मैंने, मान लो इसमें मैंने वाटर भी ऐड कर दिया, कितना ऐड कर दिया, 10 kg वाटर डाल दिया। आ रही बात समझ में। तो मान लो मैं एक शरबत बना रहा हूँ, शरबत में क्या चाहिए होगा, मैंने मान लो सिर्फ पानी के साथ शुगर को डाला है। तो वाटर मैंने कितना लिया, इसमें 10 kg डाला, शुगर कितनी डाली, 5 moles, क्लियर है। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि 10 kg वाटर में हम लोगों ने 5 moles शुगर को ऐड किया है। अगर मैं आपसे पूछूँ कि 10 kg वाटर में अगर आपने 5 moles शुगर डाला है तो अगर 1 kg वाटर होता तो कितने moles शुगर डालना पड़ता। तो 10 kg में अगर आपने डाला 5 moles, तो
तो 1 kg में कितना डालोगे, 5/10 डालोगे, इसी टर्म को बोलते हैं मोलालिटी। आधी बात समझ में, कैसे निकालोगे मैथमेटिकली आप निकाल सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिखो 5 kg वाटर है, क्लियर है, इसमें आपने कितना शुगर डाला है, 5 moles शुगर मतलब चीनी का ऐड कर दिया आपने इसमें। तो अगर ये 1 kg होता, 1 kg वाटर अगर लोगे, 10 kg में अगर 5 mole पड़े हैं, तो इससे अगर मैं 1 kg निकालूं तो उसमें कितने मोल होगा, कितने भी मोल दिया हूं उससे फर्क नहीं पड़ता, हमेशा 1 mole के लिए निकालते हैं। तो अगर 10 kg में 5 mole ऐड किया है तो 1 kg में कितने मोल ऐड किए होंगे, 5/10 moles किसके ऐड किए होंगे, शुगर के। और इसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलालिटी बोलते हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर kg ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज क्या होगा, मोलालिटी। तो मोलालिटी मतलब क्या होगा, देखो यहां पर कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, किसमें प्रेजेंट होंगे, पर kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो मोलालिटी मतलब क्या हो गया, मोलालिटी मतलब इतना होगा सिर्फ कि मोलालिटी इक्वल टू, देखो हम लोग अब ऐसे नहीं और देखो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूले टाइप करके यहां से बना सकते हैं देखकर, तो बस इसको सॉल्व आप मैथमेटिकली कर सकते हो, उसी से हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया। तो देखो मोलालिटी इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके मोल्स, सॉल्यूट के, क्लियर है। तो यहाँ पे 5 क्या था, सॉल्यूट के मोल्स थे, और यहाँ पे 10 नंबर क्या रहा था, 10 मतलब क्या हो गया, सॉल्वेंट का वेट था, किसमें वेट था, केजी में। तो नीचे क्या होगा, वेट किसका वेट होगा, सॉल्वेंट का होगा, किसमें होगा, केजी में होगा, क्लियर है। इसी टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलालिटी बोलते हैं। अब इसको देखो इसकी यूनिट क्या होगी, मैं बात करूं ये क्या होगा, यूनिट क्या होगी, ऊपर क्या है मोल, नीचे क्या है केजी, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, मोल पर केजी। आधी बात समझ में आपको, आप नोट कर लीजिए, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे, क्लियर है।